Hello students, this is GS Global Institute. Welcome to our free online classes. In today's video, I am going to teach you about writing task 1 of academic module. But before that, if you have not subscribed our channel yet, please press subscribe button. And if you want to get updates from our channel, press bell icon too. So students, in today's video, I am going to teach you about writing task 1 of academic module, and you are going to learn about the same. So here in this video, I am going to teach you about particularly horizontal bar graph. You can see here it is similar to bar graph. Ye bar graph jaisa hi hai, but it is horizontal, not vertical. Okay, so sometimes students are confused in these kinds of graph. That is why I am lecturing you know that how you can attempt this graph. But before that, we should carefully read the statement. That is the important part in our any of the task, that we have to read the statement very carefully. So let us have a look on the statement. The charts below compare the age structure of the populations of France and India in 1984. So ye jo do charts aapko diye gaye hain ke 1984 ke hain aur do countries ke andar hain, France ke andar aur India ke andar, theek hai. Aur isme compare kya kiya gaya hai, एज के जो है स्ट्रक्चर को कंपेयर किया गया है कि एज के हिसाब से क्या पॉपुलेशन है फ्रांस के अंदर और इंडिया के अंदर, ठीक है. सो ये थोड़ा सा देखने में कंफ्यूजिंग सा लगता है, बट ये कंफ्यूजिंग नहीं है. सिंपली अगर आप ध्यान दो, सो ये वाला जो है ये सेंटर में हमारी लाइन है, ठीक है. इस वाली साइड पे हमें परसेंटेज दी गई है, ठीक है, जो कि 0 से लेके 7 तक, यहाँ से भी 0 से लेके 7 तक, इस तरह जो है वो वेरी कर रही है, ठीक है. और यहाँ पे आपको एज दिए गए हैं, जैसे कि 0 to 5 अगर देखें, सो यहाँ पे 7% है, ठीक है. उसके बाद एक और डिवीज़न की गई है मेल्स और फीमेल्स की, ठीक है. सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो 0 से 5 जो मेल्स हैं दैट इज़ 7%, ठीक है. सिमिलरली अगर फीमेल्स को देखोगे 0 से 5 के बीच में, सो दैट इज़ ऑल्सो बिटवीन 6 to 7. सो ओवरऑल जो अगर आपको टोटल देखनी हो कि टोटल कितने हैं 0 से 5 तक, तो आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, यानी कि 7 plus 6.5, तो ये 13.5 हो जाएगा, दैट इज़ क्लोज टू 14% हो जाएगा, ठीक है. इन अ सिमिलर वे अगर आपको बाकी एज ग्रुप्स का भी चेक करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है. बट जो मेन चीज़ है हमें यहाँ पे याद रखनी है कि हमें माइन्यूट डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. हमें जो है जो मोटा मोटा इसका आइडिया होगा वो हमें ग्राफ के अंदर जो बताना है, क्योंकि ऐसे अगर फिगर्स देखनी हो तो एग्जामिनर आराम से खुद से भी देख सकता है, ठीक है. बट हमें वो एग्ज़ाम में क्यों आता है, ताकि हम जो है उसमें से मेन फीचर्स को पॉइंट कर सके और कंपेयर कर सके, ठीक है. सो सबसे पहले तो राइटिंग टास्क 1 को जब हम अटेम्प्ट करते हैं, तो उसके अंदर जो है हमारी जो सबसे पहली चीज़ हमने लिखनी होती है वो होती है इंट्रोडक्शन, ठीक है. इंट्रोडक्शन के अंदर हमने क्या लिखना होता है, हमने 3 W's को आंसर करना होता है. वो 3 W's क्या होते हैं, वॉट, वेयर एंड वेन. इससे ज़्यादा हमें इंट्रोडक्शन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. सो वो जो व्हाट, वेयर और व्हेन होता है वो हमको स्टेटमेंट से ही मिलता है, ठीक है. सो अगर हम यहाँ पे व्हाट देखें, सो दिस इज़ यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है. वेयर कब की, कहाँ की बात हो रही है, फ्रांस और इंडिया की. व्हेन का आंसर क्या होगा, 1984, ठीक है, कि कब की बात हो रही है, 1984 की बात हो रही है. वैसे तो इन्होंने एक ही लाइन में जो है इसको अच्छे से लिख दिया है, ठीक है, लेकिन हमने स्टेटमेंट को एज इट इज़ कॉपी नहीं करना होता, हम उसको रीफ्रेज करते हैं. तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे इंट्रोडक्शन को लिखोगे, उसके बाद फिर मैं आपको धीरे धीरे साथ साथ बताती जाऊँगी कि आप कैसे जो है टास्क 1 को अटेम्प्ट कर सकते हो अपने पेपर के अंदर. सो अब हम शुरू करने जा रहे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ ये आपने कैसे लिखना है. आप इसको लिखोगे द रेंडर्ड, ठीक है. रेंडर्ड की जगह पे आप गिवन भी लिख सकते हो, बट दिस लुक्स नाइस, तो इस वजह से हम जो है रेंडर्ड से स्टार्ट करते हैं. रेंडर्ड का मतलब भी वही होता है कि जो दिया गया है, ठीक है. क्या दिया गया है, चार्ट, ठीक है. दो चार्ट हैं तो फिर हम उसको चार्ट्स लिखेंगे, ठीक है. हम यहाँ पे चार्ट नहीं लिखेंगे,
ठीक है। उसके बाद एक चीज़ जो हमने ध्यान रखनी है कि इसके बाद जो हम वर्ड लिखने वाले हैं, जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे, कंपेयर लिखेंगे, इलस्ट्रेट लिखेंगे, इल्यूसिडेट लिखेंगे, उसमें हमने ध्यान देना है कि हम यहाँ पे एस लिख चुके हैं तो हम यहाँ एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे सिंपल चार्ट होता तो फिर हम यहाँ पे कंपेयर्स लिख देते, या फिर अगर हमने यहाँ पे इलस्ट्रेट लिखा होता तो इलस्ट्रेट्स लिख देते, इल्यूसिडेट लिखा होता तो इल्यूसिडेट्स लिख देते, ठीक है। सो अगर यहाँ पे प्लूरल नहीं होता तो वो यहाँ पे आता, बट क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है तो एस यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। सो अब ये क्या कंपेयर कर रहा है, पॉपुलेशन को, द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, ठीक है, कहाँ की पॉपुलेशन, ऑफ फ्रांस एंड इंडिया, ठीक है। सो व्हाट का आंसर क्या हुआ, पॉपुलेशन, ठीक है। वेयर का आंसर क्या हुआ, फ्रांस में और इंडिया में, ठीक है। अब हमने आंसर लिखना है व्हेन का, ठीक है। सबसे पहले हम पॉपुलेशन का, क्योंकि जो हमारी स्टेटमेंट थी उसके अंदर पहले लिखा हुआ था एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, हमने उसको चेंज करके लिखना था, तो हम इसको सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस एंड इंडिया इन टर्म्स ऑफ एज डिस्ट्रीब्यूशन बाय जेंडर, ठीक है। सो ये वही बात हो गई जो हम पहले हमने स्टेटमेंट में देखा था, उसको एज इट इज़ हमने जो है यहाँ पे लिख लिया है, लेकिन उसको थोड़ी सी उसकी जो फॉर्म है उसको हमने चेंज कर लिया है, उसको रीफ्रेज कर लिया है, उसको पैराफ्रेज कर लिया है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे अभी व्हेन का आंसर नहीं लिखा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इन द ईयर 1984, देन देयर इज़ अ फुल स्टॉप, ठीक है। अब एक चीज़ जो आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब भी आप किसी कंट्री का नाम लिख रहे हो या फिर किसी स्पेसिफिक जगह का नाम लिख रहे हो, तो आप उसकी जो स्टार्टिंग है वो आप कैपिटल लेटर से करोगे। जैसे कि यहाँ पे दो कंट्रीज़ के नाम आए हैं, एक तो फ्रांस और दूसरा इंडिया, ठीक है। दोनों की जो फर्स्ट लेटर है वो आपको कैपिटल लिखने हैं, ठीक है। सो आप उनको स्मॉल लेटर में, बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो स्मॉल लेटर में ही आएंगी, लेकिन जो कंट्री का नाम है वो कैपिटल लेटर में आएगा, ठीक है। सो अब हम चलते हैं कि हम इसके बाद क्या लिखेंगे, वी आर डन विद आर इंट्रोडक्शन, इसके बाद हमने क्या लिखना है, ठीक है। वैसे तो देयर इज़ अ चॉइस कि आप ओवरऑल जो है वो आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो, सेकेंड पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन के बाद, और आप उसको लास्ट में भी लिख सकते हो, ठीक है। बट आई प्रेफर कि मैं उसको सेकेंड पैराग्राफ में ही रिकमेंड करती हूँ। ऐसा क्यों, क्योंकि कई बार आपके पास एग्ज़ाम के एंड में टाइम नहीं होता ओवरऑल लिखने का, सो उस कंडीशन में हमारा ओवरऑल कई बार स्किप हो जाता है, ठीक है। और ओवरऑल को लिखना जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, सो इस वजह से मैं उसको सेकेंड पैराग्राफ में ही लिख देती हूँ, ताकि अगर लास्ट में हम ना भी लिख पाएँ, हमारे पास टाइम की शॉर्टेज हो भी, तो भी कोई इशू ना हो, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे ओवरऑल, ठीक है। ओवरऑल के बाद आपने डालना है कॉमा, ठीक है। आप ओवरऑल की जगह पे जो है दो तीन चीज़ें और यूज़ कर सकते हो, क्या यूज़ कर सकते हो, ऑन अ कर्सरी ग्लांस या फिर एट अ बर्ड्स आई व्यू भी लिख सकते हो, ठीक है। सो आप इन दोनों तीनों चीज़ों में से कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। ओवरऑल को लिखने से पहले हम ग्राफ की तरफ देखेंगे कि हमें जो है मेन क्या फीचर उसमें से स्पॉट हो रहा है, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखो तो क्या चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो पॉपुलेशन है इंडिया में और फ्रांस में, उन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। कैसे यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, अगर आप यहाँ पे देखो, सो इट लाइज़ बिटवीन जो 0 से 5 के बीच में है पॉपुलेशन, वो 3 से 4 के बीच में लाई करती है, और यहाँ से भी 3 के 4 के बीच में लाई करती है। लेकिन अगर आप इंडिया की देखो, सो हेयर इट इज़ 7,
एंड अगेन इट इज़ बिटवीन 6 to 7। ठीक है, सिमिलरली ये जो है ये कंटिन्यू रहता है अंडर 20 तक। 20 तक पहुँचते पहुँचते ये सारी पॉपुलेशन जो है वो इंडिया के अंदर ज़्यादा है रादर देन फ्रांस। ठीक है, सो ये मेन फीचर जो है हम यहाँ पे स्पॉट कर पा रहे हैं। ठीक है, और अगर हम देखें फ्रांस के बारे में, तो फ्रांस में जो हायर पॉपुलेशन है, जो 70 से अबव है, वो पॉपुलेशन ज़्यादा है इंडिया से। मान लीजिए आप इस वाले स्लॉट में देखो, 70 से लेके 75 के बीच में, सो यहाँ पे जो मेल्स की है परसेंटेज दैट लाइज बिटवीन 1 to 2% और फीमेल्स की इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2%। ठीक है, सो ये कितना हो गया, 3.5% हो गया। अगर हम यही जो है इंडिया में देखें, सो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली क्लोज टू 1% एंड अगेन 1.5%। सो टोटल ये जो हो गया ये 2.5% हो गया। ठीक है, सो आप समझ पा रहे हो कि फ्रांस में जो एल्डरली पीपल हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है रादर देन इंडिया, और इंडिया में यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, सो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, लेट अस हैव अ लुक। आपने यहाँ पे ओवरऑल लिख दिया था, अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इट कैन बी सीन दैट, क्या देखा जा सकता है यहाँ पे, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, जो इंडिया की पॉपुलेशन है वॉज, ठीक है, वॉज हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि हम 1984 की बात कर रहे हैं। ठीक है, वॉज यंगर देन दैट ऑफ फ्रांस इन 1984। ठीक है, 1984 में उसकी पॉपुलेशन जो थी इंडिया की वो यंगर थी फ्रांस से। ठीक है, एक चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन भी कर देनी है 20 वाली भी, विद अ नोटिसेबली लार्जर पॉपुलेशन ऑफ अंडर 20। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे फुल स्टॉप डाला, फिर यहाँ पे आप फ्रांस की बात करोगे, फ्रांस ऑन द अदर हैंड हैड अ सिग्निफिकेंटली लार्ज परसेंटेज ऑफ एल्डरली इनहैबिटेंट्स। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू राइट योर ओवरऑल। ठीक है, अब हम चलते हैं बाकी की डिटेल्स के ऊपर। सो जब आप यहाँ से अगले पैराग्राफ के ऊपर शिफ्ट हो रहे हो, एक तो आपने यहाँ पे एक लाइन को छोड़ना है। ठीक है, दिस इज़ अ प्लेन पेपर, सो यू मे नॉट बी एबल टू विजुअलाइज दिस। ठीक है, बट आपने यहाँ पे एक लाइन छोड़नी है जब आप डिटेल्स की तरफ आ रहे हो। ठीक है, सो जब आपने पैराग्राफ शुरू करना है तो आप इसको यहाँ पे एक लिंकर यूज़ करोगे। ठीक है, क्या सिग्निफाई करने के लिए, कि आपका कहीं भी जो है लिंक नहीं टूटा है ऊपर वाले चार्ट के साथ। सो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, प्रोबिंग फर्दर। ठीक है, जिसका मतलब होता है आगे बढ़ते हुए। अगर आप यहाँ पे प्रोबिंग फर्दर नहीं लिखना चाहते, सो यू कैन राइट हियर गेटिंग बैक टू द डिटेल्स। ठीक है, डिटेल्स की तरफ जाते हुए। ठीक है, सो अब हम चलते हैं कि हमारी डिटेल्स क्या होंगी इसके अंदर, लेट अस हैव अ लुक। सो अब अगर हम ग्राफ के ऊपर देखें तो हमें दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, एक तो एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है और दूसरी जेंडर वाइज है।
ठीक है। सो अब हम इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, हमने दो पैराग्राफ्स बनाने हैं। एक पैराग्राफ के अंदर हम जो है एज वाइज बात करेंगे और दूसरे पैराग्राफ के अंदर हम जेंडर वाइज बात करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट पैराग्राफ के लिए हम यहाँ पे देखेंगे, सेकंड पैराग्राफ के लिए हम अभी बाद में देखेंगे, ठीक है। सो अगर आप इंडिया के अंदर देखो, सो तकरीबन 14% हमने यहाँ पे काउंट किया था कि 14% पीपल जो हैं वो अंडर द एज ऑफ 5 हैं, ठीक है, वो 5 साल से छोटे हैं, ठीक है। और जैसे जैसे जो 5 ईयर्स का ब्रैकेट बढ़ता जाता है, इनकी जो प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन की वो कम होती जाती है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात ये है कि आपके पास बहुत सारा डेटा है अलग अलग एज ग्रुप्स का, सो यू कैन नॉट मेंशन एवरी एज ग्रुप हियर, ठीक है। आप सब कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते, ठीक है। आप लिख सकते हो कि इसकी इतनी वैल्यू है, इसकी इतनी वैल्यू है, बट दैट डजंट लास्ट अ गुड इम्प्रेशन ऑन एग्जामिनर, ठीक है। उसका इम्प्रेशन जो है एग्जामिनर के ऊपर अच्छा नहीं पड़ता है। सो आपने करना क्या है, आपने मोटा मोटा सा इसका जो क्रक्स है उसको निकालना है कि क्या हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर आपने नोटिस किया हो, सो यहाँ पे जो है इंडिया की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ, सो 14% है। उसके बाद जैसे जैसे जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है, एज ग्रुप बढ़ती जा रही है, तो हमारा जो प्रोपोर्शन है वो भी कम होते जा रहा है, ठीक है। सो एक पिरामिड की फॉर्म में यहाँ पे जा रहा है, ये कम होते जा रहा है, ठीक है। सो एज इट इज़ जो है हम पैराग्राफ में लिख सकते हैं इसको, कि ये जो जैसे जैसे एक एक ब्रैकेट बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जो प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन की वो कम होती जा रही है, ठीक है। और अगर हम फ्रांस की बात करें, तो उसमें जो फिगर्स हैं उसका एज सच कुछ पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे इसमें आपको पिरामिड दिखाई दे रही थी कि प्रोपोर्शन जो है वो कम होता जा रहा है जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है, बट इसमें आपको कोई पैटर्न जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो आप ऐसे लिख सकते हो कि इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 7 से 8% के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। सो यू कैन नोट हियर, दिस इज़ बिटवीन 3 to 4 एंड दिस इज़ अगेन बिटवीन 3 to 4, सो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 7%। सिमिलरली जो ऊपर वाला है वो भी ऐसे ही यहाँ तक अप टू 40 तक 7 to 8% जो है इनकी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रह रही है, ठीक है। और उसके बाद जब हम 70 से ऊपर की बात करते हैं, तो उस केस में इनकी जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो दिस इज़, अगर आप इसका टोटल देखो, ये 70 से ऊपर वाला, सो दैट इज़ मोर देन 10 to 15%, और दैट लाइज बिटवीन 10 to 15%। लेकिन अगर आप इंडिया की बात करो, सो इंडिया में जो 70 से कम वाले लोग हैं, हेयर इट इज़ 1, हेयर इट इज़ 1, ठीक है। और इससे अबव भी जो हैं, सो ये जो है तकरीबन 2% तक लास्ट करता है। एल्डरली पॉपुलेशन इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। सो ये हमारा कंटेंट हो गया हमारे फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर। हमने पॉइंट आउट कर लिया कि हमने फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर लिखना क्या है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको लिखना कैसे है। कि हमने यहाँ से पैराग्राफ की स्टार्टिंग कर दी थी एक लिंकर यूज़ करके, प्रोबिंग फर्दर, ठीक है। सो आप कैसे लिखोगे, इन इंडिया close to 14% of people, तकरीबन 14% जो लोग हैं वो 5 से अंडर लाई करते थे, were aged 5 और under, ठीक है, वो 5 से नीचे लाई करते थे, and each 5 year age bracket, ठीक है, जैसे जैसे जो उनका age bracket बढ़ता जाता था 5-5 साल का, जो उनकी proportion थी वो कम होती जा रही थी, above this contained an increasingly smaller proportion of the population, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे डाला फुल स्टॉप। अब आप फ्रांस की बात करोगे यहाँ पे,
सो वॉट यू विल राइट हियर, फ्रांस अपोस्ट्रोफी एस पॉपुलेशन, कि जो फ्रांस की पॉपुलेशन है, कॉमा बाय कंट्रास्ट, यानी कि इसके अपोजिट, ठीक है। सो आपको कई बार आपकी स्टेटमेंट के अंदर लिखा होता है मेक कंपैरिजंस वेयर रेलेवेंट, ठीक है। सो यहाँ पे बाय कंट्रास्ट जो है वो एक कंपैरिजन के तौर पे यूज़ किया गया है, ठीक है। सो दिस इज़ अ साइन टू द एग्जामिनर दैट आई एम यूजिंग द कंपैरिजन थिंग ओवर हियर, ठीक है। सो दिस वॉज मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड across the age ranges, ठीक है, age ranges के across जो है ये evenly distributed था with तकरीबन similar figures के साथ, similar figures around 7% to 8% of all people, ठीक है, for each 5 year cohort, cohort means slot, cohort between the ages of 0 and 40, ठीक है, 40 से नीचे तक ये ट्रेंड हमको देखने को मिल रहा था, ठीक है। अब हम बात करते हैं एल्डरली की, एल्डरली पॉपुलेशन की, समवेयर बिटवीन 10% एंड 15% ऑफ ऑल फ्रेंच का एफ कैपिटल आएगा, फ्रेंच पीपल were aged 70 or older, ठीक है। सो वो 70 से ओल्डर थे, लेकिन इंडिया में वो पॉपुलेशन जो थी वो बहुत कम थी, कितनी थी, 2% के आसपास थी। बट द इक्विवेलेंट फिगर फॉर इंडिया was only 2%, ठीक है। सो यहाँ पे आपने अपना एक पैराग्राफ जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं कि हम सेकेंड पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, ठीक है। हमने टोटल 4 पैराग्राफ्स बनाने होते हैं राइटिंग टास्क 1 के अंदर, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि हम फोर्थ पैराग्राफ में पहले तो डेटा क्या लिखेंगे। यहाँ पे हमने एज वाइज कैटेगराइज कर दिया उसके मेन क्रक्स को, अब हम उसको कैटेगराइज करेंगे उसके जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो लेट अस हैव अ लुक। यहाँ पे अगर हम जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखें, सो इंडिया के अंदर आपको कुछ एज सच डिफरेंस जो है वो स्पॉट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि तकरीबन जो परसेंटेज जा रही है फीमेल्स और मेल्स की वो सेम ही है, ठीक है। बट जो मेन डिफरेंस आप स्पॉट कर सकते हो वो आप फ्रांस के अंदर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो, सो विमेन जो हैं वो ज़्यादा हैं मेन से, स्पेसिफिकली जब आप 50 वाली एज में देखो, सो 50 का अगर हम स्लॉट देखें, सो इट लाइज बिटवीन 3 to 4% फॉर विमेन। और अगर हम यही स्लॉट जो हैं मेन के लिए देखें, सो इट लाइज बिटवीन 2 to 3%, ठीक है। इन अ सिमिलर वे जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाते हैं, वैसे वैसे जो वुमेन का कंट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन की तरफ वो मेन से ज़्यादा है एज कंपैरिजन, ठीक है। कंपैरेटिवली जो वुमेन का कंट्रीब्यूशन है वो मेन से ज़्यादा है फ्रांस के अंदर, लेकिन इंडिया में एज सच कुछ स्पॉट नहीं किया जा सकता। तो अब हम चलते हैं कि हम इसको लिखेंगे कैसे, लेट अस हैव अ लुक। सो हम इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, लुकिंग मोर क्लोजली एट जेंडर, अगर हम जेंडर की तरफ ध्यान से देखें, कॉमा
देयर वॉज अ नोटिसेबली हायर proportion of French women than men in every cohort from age 50 upwards. ठीक है, 50 के अपवर्ड्स जो है हमें ये ट्रेंड देखने को मिला है कि विमेन जो है वो फ्रेंच पीपल में ज़्यादा है मेन के कंपैरिजन में. फॉर एग्जांपल कॉमा ऑलमोस्ट 3% ऑफ फ्रेंच 70 to 75 year olds were women. ठीक है, सो जो 70 to 75 year old लोग थे उनमें से women का जो contribution था वो ज़्यादा था, comma, while just under 2% were men. ठीक है, जो मेन का कंट्रीब्यूशन था वो 2% से भी कम था. ठीक है, लेकिन इंडिया में हमने एज सच कुछ नहीं नोटिस किया. सो हम क्या लिखेंगे, नो सिग्निफिकेंट जेंडर डिफरेंसेस कैन बी सीन ऑन द इंडियन पॉपुलेशन चार्ट. ठीक है, कि हमने इंडियन के पॉपुलेशन चार्ट में इस तरह का कुछ भी नहीं देखा था. ठीक है, सो हमने इस तरह हमारे सारे जो डेटा को एक तरह से समराइज कर दिया एक अच्छे तरीके से, जिससे हमने जो है ज़्यादा उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी क्रिएट नहीं किया. छोटी छोटी डिटेल को देखे, माइन्यूट डिटेल्स को हमने जो थोड़ा सा इग्नोर किया है, और जो मेन मेन क्रक्स था उसी को हमने रिप्रेजेंट किया है. ठीक है, सो दिस इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन कि हम कैसे अपने राइटिंग टास्क 1 को या फिर 2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमारे आईएलटीएस एग्जाम के अंदर. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ आर टुडेज ऑनलाइन क्लास. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ प्रेस लाइक बटन एंड डू लेट मी नो वट एवर फीडबैक यू हैव इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर टू. थैंक यू सो मच.